आरे चर्चा पाई अहर माहिलनी आरे लाथनिया लाल काढ़े अधिक सुख बाढ़े और चढ़े न चढ़िया पैर भगवान भई न मन की मिटी न तन की रन की गई न रब की शानी आरे अब तल नहीं है रे माही आरे घोड़ी पे फांदी भय अशुबार रास लगाई शीद लगाई घोड़ी भई है काल भी पारी ध्यान रखिए दोस्तों जब माही अपनी बहन तिलका के नगर कन्नौज में गए हैं ये चंद को तज महते
की वादी को बुलाया है और बोली है है आमदनी को सब नारे देश उजार
स्पर्श करके उदल अपनी मां देव कुमार के पास बैठ गए। देव कुमार ने प्रश्न किया, कहिए वत्स, महारानी ने तुम्हें क्यों बुलाया था? तो उदल कहने लगे हैं कि मैया सुनो, अरे हंस के उदल बोलन लागे, अरे हम तिलका से करो है करार, प्रिया जीत बांध वीर सिंह को तुम्हारी देवियां नजर गुजारी। अरे जा भाई बानी तब दे बेटी, धनी धनी उदल कुमार हमार, जे धर्म लाल क्षत्रिय दे पालन करो खूब चिंधारी। अरे पुक्षा जन्म लेत सब कोई, और सब जग शूर बनत सरदार, जीवन
की है। विजयश्री तुम्हें जरूर मिलेगी, लेकिन मेरी एक इच्छा है पुत्र कि आल्हा जो तुम्हारे बड़े भाई हैं उनसे विचार इस विषय में जरूर लीजिए। ध्यान रखिए दोस्तों, जिस समय उदल अपनी माँ देव कुमार के पास से उठ करके अपने बड़े भाई आल्हा के पास गए हैं, जीत कर गए।
कन्नौज की गद्दी के अधीन उसे कर देंगे। और दादा सुनो, हमारे
तहसील बांध बिर सिंपुई और मैया तू दिखाई प्यार के पूर्वी कोलन लागे सुनियो देव कुंवर के लाली अच्छा के तुम्हें हम मानी छोटा और फड़ाऊ मानी छोटा काम युद्ध मिया बेरा सदा शमर मिला खड़ाऊ भेद बताऊ समझाऊ सुन लला हमारी मनसा तह तुम्हें पहुंचा दे पवन संग गगन मझारी सोचा में अब सुनीर भर आई अरे आस से देखे पंजा धर दो क्या वो सिद्ध है काम तुम्हारी अब उदल प्रिया चलता गुरु को शीश नमाओ है अरे शब्द की पहले खड़ाऊ तब मैं पहुंचे पारस बाग मझा धरी न छूटी पहुंचे पारस बाग मझारी महाराज कृष्ण के पुत्र जो पारस हैं इनके बाग में दोस्तों जब उदल पहुंचे हैं गुरुजी से आज्ञा लेकर के अरे तीन कोशिश प्रिया से पहले पारस किला करो है सरहद ताबी लई है जयचंद की अपनों किला बनाओ है यार संदेश वृषण के पुत्र पारस को दिया है राजभवन में तो बड़ा विलक्षण योगी बाग में आया है आप उनके दर्शन नाथ कर लीजिए दोस्तों चला है वृषण का पुत्र पारस
दर्शन के हितार्थ। अरे मंत्री सहित चले ही दरबारी आए सवरे बाग मजारी, पारस कुमार उतर हाथी से आरती कीनी है देवी उतारी। कहिए पुत्र कैसे आगमन हुआ किनके बालक हो? बोला है पारस, अरे वीर सिंह राजा के सुत मुनि वर पारस नंद हमारो है नामी। दर्शन भय भाग्य मेरे जागे अब तुम चलो हमारे धाम। लेकिन पारस ने पुनः निवेदन किया तो उधर चलने को जब तैयार हुए हैं, अच्छा चलो चले संग तुम्हारे अस कह चले उदय सिंह राय। पारस बारे उन महलन में पहुंचे कुमार दिवल देखिया के साथ उदल राजमहल में गए हैं। और एक बात लोग और बताते चले, पारस की जो धर्म पत्नी थी कमला, ये माहल की लड़की थी और कमला और उदल ये दोनों महोबे में साथी बचपन में खेल के बड़े हुए थे। जिस समय कमला के राजभवन में उदल गए हैं, अरे सात खंड धोरा के ऊपर कमला जाई पलंग ढौटा बैठारी दो है उदल को ऊपर लागी करण बिहारी। अरे हाथ जोड़ी के कमला बोली बाबा परमहंस महाराज, और है गुरुद्वारा कहां तुम्हारा आए कहां पर छोड़ समाजी। उधर कहने लगे हैं कि महारानी सुनो, अर्पुर उझेल मिला के चेला ही और मंगल गिर नाम हमारा। उदल की सूरत को देख कमला बोली है, बाबा एक बात बताओ, सूरत देखी होती दिल धकपक लख के नादान उमर लघुगा। अरे पुन तपस्या खंडित पर गई जो बारे तुम जोग रमाती।
सुनी ससुर मेरे नीला खड़ी
अधिक बढ़ाई तो खाई खंडक दही फुदाई। ससुर हमारे पैरन चढ़ती जो कोई खाली देवे हथियार, एक भूत जो गिरे फिनकी बिरसिंह पीछे हो तैयार। सुरक्षा देख करके उदल कहने लगे योगी के भेष्मिक महाराज आखिर यह सुरक्षा इतनी क्यों। तो वृषिंग ने कहा कि स्वामी जी उदल के भय के कारण हमने सुरक्षा का कवच इतना मजबूत किया है। बोला है वृषिंग कि बाही के डर सो नाथ सुनो हमनी ये बाज खरीद ले ही खुदाई ले भर का अनजान क्या चकयान दे ही। जब से भर कान सुनी चर्चा तब से दुख कारण बोई भये ही। सुरजन ना जानी कभे बढ़ी के खटके तलवारी ये सोच नए ही। कहने लगे कि महाराज आप भी अजीब संगी नजर आ रहे हैं। विरथा संदेह करो रिप को तुमसे लड़ियाई कहा करी है। हम हो बत पारन पाप करे छिन एक आखिर वो मरी है। परी है
भक्तों
भाग हम प्रस्तुत करते हैं। जिस समय बहन तिलका को माहिल ने भ्रमित कर दिया, वहन तिलका ने लाखन को बुला करके वीरिया पर हमला करने को जब उद्यत किया है, दोस्तों इधर लाखन राज्यसभा में आते हैं, वीरियागढ़ को संग्राम हल करने के लिए वीड़ा डलवाते हैं। आरे लाखन आए ते सूर बुलाए, सकल दरबार तबला घन धनुआ से बोले, मेरे वचन सुनो रचित धारी। राज्यसभा में वीरा डाल दिया लाखन ने। दोस्तों लाखन बोले भाऊ ही खोले तोले बल पौर दरबार, है कोई सूरवीर बंगला में जो प्रिया पर पान चवाए। I'm
सुबह सवरे सुन के डगरे अगरे सपट परे हथियार दोस्तों जब कन्नाथ की फौजी मीरिया के लिए सजी है बहादुरों की वीरांगना उन सुना के हमारे है देश्वर युद्ध के लिए जा रहे हैं लोगों फौज लेकर के विरिया में गए हैं रजनी व्यतीत करने के बाद में राज्यसभा में प्रस्ताव पारित हुआ कि प्रथम संदेश विरिया वाले महाराज वीर सिंह को भेजा जाए लोगों हाथ में कागज कलम लेकर के उदल चिट्ठी विरिया के महाराज वीर सिंह के लिए लिख रहे हैं और एक कागज लेके जानी खालफी वालो पापी लिखत उदय सिंह राय प्रिय पात्रिय श्री
पढ़ी अशारी पढ़ता ही तुरत देव भिजवा भलाई और कुशलाई चाहो मिलो छोरी हथियार माधी अमावी ले उला थन से कनबज करो चलो रे दरबारी दोस्तों पत्र लिख करके जिस समय उदल संदेश वाहक के द्वारा महाराज वीर सिंह के पास भेजा है आरे नजरी भूमि गई है रे वीर सिंह की पाती अगाई रहे थे निहारी गई और बेगी उठाई इफार लिफाफा बाचन लगो तो खूब सरदारी
करी बाघ वीर शेरशाह की गर्जो सिंह बनी अनुमान
सादी घोड़ी भजती खेत से आई। आए पीछे उदल लखी तमाशो हसरे खड़े दक्षिणी ओरी। मुश्की खुल गई है उदल की अब कछु पड़ी मलखे मुझोरी। वाला पारस भी कम नहीं था, मल खान से जरा भी कम नहीं पड़ा। इधर उसका हाथी भागा उधर। अरे तमगा डट के नरमल थे तो मारी धारे सिरोही कियारी। कहां तक लिखे मार पारस की जाति मार शहे मल खानी। छप्पर घोड़ी मलखे किधर से छोड़ भजी है मैदानी। देख देख उदल मन बिहसे अब कछु परी बंधु पुन्यानी। इतै सबेर सबर भारत में मुरचा मरो फेर मलखा करनी रहे भोरी पे मुश्किल तुम्हें बचाना जानी। और चोटी बीशतरी मलखेनी कस कस दहिंदे हमें पानी। घाबन आओ जब पारस की खोटी रची श्री भगवानी। भगवान शिव का वरदानी है, दिन के समय उसका शरीर बिल्कुल पत्थर का रहता था, मलखान को भेद पता नहीं है। बार बार मलखान तलवार मारते ही लेकिन तलवार की धार टूट जाती है। लोगों एक बार सयोधा की मारन में हिम्मत गई है बछेरी हारी। एकदम भारी परी दंगल से
से नहीं रोक सके मलखानी। यहाँ बछेड़ा रणबाघी को पहुंची आई की बचाई की जानी। सूरत देख कही उंगलिनी छत्री पन पूरे हो नशाई। होती मेरी मौसी की तो घर अंत मचाते आई। शर्मन आई शान लजाई छत्री मन पूरे हो नसाई। दोस्तों जब उदल ने मलखान के ऊपर कटाक्ष किया है खगी बात कही उदल ने तब जर कही है मल्हारे राय। मानुष हो बेता से लड़ते पासे नी कौनाई बसाई। महेंद्र ध्यान रखिए दोस्तों, छोटी करी अनेकन मेरी बात के अंगन आवे धाई। भुजबल थके हार गई भोरी देखो खड़ी रही चुचियाई। दोस्तों जब मलखान क्रोध में भर गए तेज मुंगार लौटे हैं करो हजारी। इतनी कहने न मलखे पाए कदम दई है खेत तलवारी। पहलो फूल पीर मलखे के भोरी भाजी प्राण बचाई। अमृत पड़ गई है मलखे तू गजबी सूर पकड़ लई जा। माहिल की बेटी कमला पारस से पूछती है कहिए साजन युद्ध के हाल क्या रहे। पारस कहने लगे आज समर मलखान वीर से बाजी खूब रोज तलवार। आज तलक ये सो मिनी योद्धा हम पूनाई मिलो है सरदार। कमला बोली तब पारस से बचाए मेरे भाग्य शावारो पास है कोई न बच्चा में जानी। ध्यान रखिए दोस्तों, इधर घायल होकर के मलखान राज शिविर में आए हूं। उधर पारस बिरिया को गया रजनी व्यतीत करने के बाद सुबह ही पारस फिर युद्ध के लिए समर भूमि में आ गया। दोस्तों हुआ क्या? और
तारे खबरी भेज दई सूरजा शुद्ध तो आबो शिरशा तेरे सरदार पहुंची खबरी जाए तमुआ में मलखे हो न लगे तैयारी तब कहे दुलारो सोनमती तो हम पर आज समर को भार हुई तुर घर तम आदमी बैठो मेरी देख ले वो तलवारी दोस्तों इंगल ने मलखान को रोक दिया कि आप राज शिविर में विश्राम कीजिए इंदल चले समर को हुई हुई घोड़न पर यशमारी अरे इंदल जावे यार भूमि में मूर्छा बंदी दई है कराई कई थोड़ा कर दिया धर के दाबो और करिया का दौलला पेट
जैसी सतटा बकू है और पेटई जेहन देह फिरावे, पेटई नीच पुजाति करे और पेटई कर्म कुकर्म करावे।
कान धर धमकी तीज गई है शैल की मारी। रामशरण जी पारस की हर मार निष्फल हो गई, दोष हुआ क्या? करमल की पछतावन लाबोई बहिंदल दो बाजू बढ़ाई। कलश गिराई दे सोनी के सनमुख तेरा दोहे चलाई। मारे महाबत भूई में डारो चारो हने मुरज बरदार। कच के शीश मगर बीमारी हुई गई गर्दन के बापारी। लोक थे क्यों होता से जारी हाथी दल मिलो है मिलाई। ए लाश पठाई दई तिरिया पूरण में बजन लगो है जयकारी। ध्यान रखिए दोस्तों, इधर बिरिया के सम्राट बिरसिंह के पुत्र पारस इंदल ने समर में मार दिए। पुत्र शोक में वीरसिंह ने 55 दिन तक युद्ध को बंद रखा है। अपने बेटे के क्रिया कर्म करने के उपरांत दोस्तों अब राजा वीरसिंह युद्ध के लिए तैयार होते हैं। आरे 55 दिन के बाद समर को सिंह भूप भय के तैयार। हीर सिंह गज सिंह बंधु फूल सिंह रण को करन चले ही तलवारी। अरे खेत झराई दो है पीर सिंह ने रन को लो तो शीर्ष सिर भार। खबरी भेज दई रण बाघी तो आवो समर करे तलवार। पूजद खबर सजे ही रण बाघी पलटन तुरंत करी है तैयार। जोगा भोगा इंदल जागन साजे सुना भुराई पे चढ़ी
कसम तुम्हारी है इनकारी कर मैं ना फकरी तलवारी। सम्राट वीर सिंह का आमना सामना समर क्षेत्र में हुआ है। अरे यार दुश्मन को बखतर पहनो जा में पतिशने न की मारी। आज सोले हाथी की नवरी अपने वीरक्षण भूप खड़ो तैयारी। Bye.
कहने लगे कि मित्र चलो देखते हैं वीर सिंह की तलवार कैसी चलती है। चला है दोस्तों बाबर शेख। सामना हुआ बैठे अवनीश अब उदल बिलस न से बोले आबो मेरी आगे सरकार फिर सिंह कहे नाम का तुमरो आए प्राण हमेरी शेतर में थामी नगिनी तलवारी
बेटा से देव शोले गज मारी। और पंद्रह गज उधर ली मारे अब उम्र दो बाज बढ़ाई। मारन तेज लगो जब शर्मे तब शायद नहीं कही सुनाई। चली कन बज को पूछी राजेश मिर्मी